अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हाउ आर यू ऑल, होप एवरीवन इज गुड। माय सेल्फ तुलु भाई जी, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक दैट इज फ्रॉम इंग्लिश ग्रामर लेसन नंबर 8, डूइंग वर्ड्स। एंड नाउ डूइंग वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब्स। वी विल रीड हियर सम वर्ड्स शोज एक्शंस। नाउ व्हाट आर सम वर्ड्स शोज एक्शन। एक्शंस मींस हमें जो हो रहा है ना उसके बारे में पता चलता है। They tell you what people's, animals or things do. Now what the words are telling you? कि जो भी people's, animals और जो things क्या कर रहे हैं ना उससे हमें पता चलता है what action they are doing. These doing words are called verbs. Now this doing word जो action हो रहे हैं ना उसे क्या बोलते हैं? Verbs. Here are some verbs: skip, climb, grow, write, brush, go. अभी ये verbs क्या है जो एक्शंस हो रहे हैं, राइट? तो उसे हम वर्ड्स बोलते हैं। जैसे स्किप कर रहे हैं तो एक्शन हुआ ना, वी आर डूइंग स्किपिंग। क्लाइंब कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं, बढ़ रहा है, तो ये एक्शन ही हुआ ना। राइट कर रहे हैं, ब्रश कर रहे हैं, तो दिस इज ऑल कॉल एक्शन, राइट? जो भी एक्शन के वर्ड्स है तो डैट इज कॉल वर्ब। इफ द वर्ब इज यूज विथ ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन्स, वी एड एस और ई एस टू द वर्ड्स। जैसे भी ये इफ दी वर्ड्स अगर ही, शी जैसा मतलब फीमेनियन के साथ हो रहे या मस्कुलाइन के साथ यूज़ कर रहे या फिर एनी थिंग, जैसा हमने अर्लियर वी हैव लर्न कि अगर कोई भी एनिमल्स वो सब है तो हम इट लगाते हैं। बॉयज़ है, मस्कुलाइन है तो हम ही लगाते हैं, फेमिनाइन है तो हम शी लगाते हैं। तो ये हम क्या करेंगे, वर्ब किस लिए यूज़ करेंगे? ही, शी, इट और जो भी सिंगुलर नाउन्स हैं उनके लिए हम यूज़ करेंगे। तो हम जो सिंगुलर नाउन है तो एस लगाएंगे। तो एज़ वी हैव रेड अर्लियर ऑल्सो कि हमें क्या है कि ई एस किस किस के लिए लगा दिया जाता है, एस एस, एस एच, सी एच एंड एक्स, क्योंकि हमें वो सब करना है ना प्लूरल के लिए, तो हमें हम लगाते थे ना ई एस, तो वही सेम थिंग है ये। सो दिस इज़ वेरी सिंपल। हमने ऑलरेडी जब पहले जो पढ़ चुके हैं, वी आर डूइंग दिस रिविजन, ओके? सो फ्रॉम द पिक्चर जॉन ईट्स एप्पल्स। नाउ अभी हम जो भी एक्शन हो रहा है ना तो हमें ईट्स लगा देना। ईट्स लगा देना उसका मतलब ये नहीं कि बहुत सारे ईट्स हो रहे हैं कि कुछ हो रहे हैं, नो, लेकिन वो हमें परफेक्टली सेंटेंस फ्रेम करना है, राइट? सो ये हम जो एक्शन हो रहा है तो हमें वो एस लगा देना। तो दैट्स वाई जॉन ईट्स एप्पल्स, ओके? एप्पल्स बहुत सारे हैं तो हम एप्पल्स लगाएंगे, ओके? उनके पीसेस आप दिख रहे हो ना एप्पल्स के, तो वो तो बहुत सारे हो गए। व्हाट इज़ द सेकेंड इज यर, द कैट कैचेस अ रैट। नाउ अगेन सी एच आया है तो हमें ई एस तो हम लगाते ही थे, तो द कैट कैचेस अ रैट। अगेन द थर्ड पिक्चर इज द प्लांट ग्रोज इन दिस सॉइल, क्योंकि ये एक्शन हो रहा है, राइट? वो अपने आप ग्रो हो रहे हैं तो हमें तो हम मालूम ही था, तो ग्रोज के लिए हम लास्ट में एस लगाएंगे क्योंकि डब्ल्यू है तो हम डायरेक्टली एस ही लगा देंगे। तो प्लांट ग्रोज इन दी सॉइल। एक्सरसाइज ए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एक्शन वर्ड्स फ्रॉम द गिवन लिस्ट। नाउ वेयर द लिस्ट इज गिवन, यर यर द लिस्ट इज गिवन हियर, ओके? सो वी हैव टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द प्रॉपर एक्शन वर्ड्स। एज यू कैन सी द एक्शंस आर डूइंग हियर। व्हाट इज द फर्स्ट वन, रिकी डैश इज बाइसाइकल एवरी मॉर्निंग। नाउ द रिकी इज हियर, व्हाट इज डूइंग? वॉश। तो ऑलरेडी हमें बोला गया है कि इफ द एक्शन वर्ड्स आर देयर वी हैव टू यूज एस, एंड फॉर द एस एस, एस एच, सी एच एंड एक्स एट द एंड वी हैव टू यूज ES, ओके स्टूडेंट? सो विकी यहाँ पर तो क्या है, SH आया तो SH आया तो वी हैव टू यूज ES, राइट? तो विकी वॉशेज इज बाईसाइकिल एवरी मॉर्निंग। द सेकेंड इज हरी डैश चेस विथ हिज फ्रेंड। नाउ हरी क्या कर रहे हैं, लुक हियर। नाउ हरी इज डूइंग हियर, ही इज प्लेइंग, तो क्या हो जाएगा, हरी प्लेस, राइट? नाउ प्लेज इज देयर, प्ले हम कर सकते हैं लेकिन हमें एक्शन हो रहा है, ही इज प्लेइंग, सो वी हैव टू पुट एस, हरी प्लेज चेस विथ हिज फ्रेंड। द थर्ड वन इज हियर, प्रीटी डैश इन द पार्क एवरी इवनिंग। नाउ व्हाट अ प्रीटी इज डूइंग हियर, शी इज वॉकिंग, राइट? सो प्रीटी वॉक इन द पार्क हम नहीं लिख सकते हैं बिकॉज शी इज़ डूइंग सम एक्शन, एंड डब्ल्यू ए एल के वॉक है, के है तो हमें लास्ट में सिर्फ एस लगाने का। तो प्रीति वॉक्स इन द पार्क एवरी इवनिंग। द फोर्थ इज हियर,
Neha dash a book every day. Now what Neha is doing here? Neha read. So R-E-A-D read. Read spelling is given here. So D hai. So hume sirf S lagana. We have to put S and D ending. So Neha reads a book every day. The fifth one here is Dilip dashed he wrote only at the zebra crossing. Now what the Dilip is doing here? He is crossing the road. So Dilip crosses the road only at the zebra crossing. So why we have used here ES? Because already we have read K SS aya SH ya CH ya X aata hai to hame ES lagana hai. Right. To idhar SS aya hai, right? Cross ka dekho aap idhar. Cross ki spelling dekhenge to SS hua na ending mein. So we have used ES. Okay, at the end. So Dilip crosses the road only at the zebra crossing. Okay. Now what is the sixth one here is the mother dash very tasty cake. Now here you can see the mother dash bakes. Okay, very tasty cake. So abhi bake hai, B-A-K-E bake. She is doing action. Action ho raha hai na, ke she is baking the cake. So bake hai, B-A-K-E. E hai last mein, so we have to put only S at the ending. So the mother bakes very tasty cake. Moving to the next page. So, from the exercise B, look at the picture and circle 10 correct verbs in the puzzle. Take a help of the list of the words given below. Okay, the words are given here. We can take the help of this list. Okay, now here they are doing some actions. All are doing some actions and the action words are called verbs. So, we have to do the puzzle one. So, start. So, what is this boy is doing here? He is doing an action. He is shouting. So, where is the shout here? S-H-O-U-T. Shout. Okay, S-H-O-U-T. Shout. What is this next one? What a mother is doing here? The mother is cooking, right? Cook. She is cooking the food. Where is the cook here? As you can see, C-O-O-K, cook. Now what is the next one is here? The postman is, you can see from the words itself here, knock knock. So what he is doing? He is knocking the door. So where is the knocking here? Knock word here? K-N-O-C-K, knock. So next one, the next one is the boy is writing. Okay, you can see from the picture itself what he is doing? He is writing the book. Okay, as you can see from the picture, he is writing and what he is doing? He is drawing. Yes, he is drawing the picture. So where is the word here? D-R-A-W, draw. He is drawing. What is the next one? The next one is the sweeper sweep. Okay, the spelling is sweep, S-W-E-E-P, the sweep the floor. He is sweeping the floor. So, where is this sweep here? Okay. So, here is the sweep, S-W-E-E-P. Where it is? S-W-E-E-P. Moving to the next step. What is the bird is doing here? The bird is flying, right? So what is the spelling of a fly? F-L-Y, fly. Where is the fly here? F-L-Y, fly. Next one, the boy, both the boys are fighting, right? So what is the spelling of a fight? F-I-G-H-T, fight. And where is the fight here? Here it is, F-I-G-H-T, fight. The next one, the boy is swimming. He is doing an action. The word action is called a verb. So, what is the spelling of a swim? S-W-I-M, swim. So, where is the swim here? S-W-I-M, swim. Next, what is the boy is doing here? He is reading. Okay, so what is the spelling of a read? R-E-A-D, read. So, where is the read here? Yes, it is here. R-E-A-D, read. And then last one, what action she is doing? The what action? She is skipping. Okay, skip. What is the spelling of a skip? S-K-I-P, skip. So where is the word here? Skip here?
So the word skip is here, S-K-I-P, skip. So student, did you understand? The doing action words is called verb. So till then, take care, stay home, stay safe. Allah Hafiz.